श्री राम। अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे ये नहाना, प्रॉपर तरीका, नहाने का प्रॉपर तरीका क्या है। वैसे मैं नहा के दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको आपका क्या करूंगा, अभी वो तरीका ही खाली ये स्टैंडिंग ये वहाँ पे जाके डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दूंगा। ये थोड़ी मुझे बाथरूम थोड़ी सीन थोड़ी सूट करना है आपको, ठीक है, वही मैं दिखा देता हूँ। फिर वही हाथ को गीला कर लेंगे, गीला कर लेंगे, ठीक है। बॉडी को गीला कर लो, मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको खींचना कैसे, ठीक है। एक टॉवल लो और ये उसके ऊपर सोप भी लगा लो, टॉवल लो, टॉवल लेने के बाद उसको इस तरह घिसो, इसको भी थोड़ा भिगा रहते हैं ताकि जब मैं घिसूँगा तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देख रहे हो मैं कैसे घिस रहा हूँ, ये क्लोजली देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है ये डेड स्किन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं रोज़ घिस घिस के नहाता हूँ इसीलिए मेरे इतना ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा काला काला डेड स्किन निकलेगा। रुको यहीं पे मैं घिस के देखता हूँ शायद निकल जाए। ये देख पा रहे हो, क्योंकि मैं रोज़ घिस घिस के नहाता हूँ इसलिए मेरे इतने ज़्यादा नहीं निकलते। एक एक मतलब जो नहीं नहाते, यहाँ पे देखो ये डेड स्किन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये पूरा बॉडी बॉडी सॉप से पूरा ये क्या सॉप, उसके बॉडी के ऊपर पूरा सॉप लगा लो। लगा लेने के बाद ऐसे आप घिस घिस के ये जो डेड स्किन है ये आपको निकाल देना है। और मुँह का भी वही, और ये मुँह का भी वही तरीका, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ बैठ के दिखा देता हूँ। मुँह भी ऐसे घिसोगे ऐसे, और ये मतलब यहाँ पे देखो धूल मिट्टी जमी होगी, इसको ज़रूर साफ करना, ठीक है। ऐसे करके मैं अभी ये गया था, ये देखो मार्केट गया था, ये मेरे के ये कान में जम गए हैं, ठीक है, देख पा रहे हो। तो इस साइड भी तो ये खुली जगह, ये देखो ये प्लेन है, इस साइड करके दिखाता हूँ। मार्केट से मैं अभी आ रहा हूँ, तो मार्केट में जो धूल मिट्टी है यहाँ पे जम जाते हैं, ठीक है। अगर आप बाइक में जा रहे हो, कार में भी अगर जा रहे हो, ये देखो ये आ गया, देख रहे हो, ठीक है। इसको हमेशा साफ रखो, और मुंह को भी वैसे हमेशा साफ रखो, घिस घिस के उसके ऊपर वो डेड स्किन जो होगा उसको निकाल दिया करो, ठीक है। हफ्ते में नहीं, रोज़ अगर हो सके एक बार नहाओ, अगर हो सके तो दो बार नहाओ, ठीक है। कम से कम दो बार नहाना चाहिए इंडियन कंडीशन का आंसर, ठीक है। सुबह एक बार, सुबह कितने बजे, सुबह 6 बजे से पहले, एक शाम 6 बजे से पहले, मतलब सूरज ये सनसेट से पहले, सनराइज से पहले दो बार नहाना चाहिए, ठीक है। जितना आप खुद को हाइजीन, ब्राह्मण एक ब्राह्मण, इसको उठा ले, एक ब्राह्मण और एक आम इंसान के अंदर इतना ही फर्क है, ठीक है। ब्राह्मण हाइजीनिक, ये सबसे अल्टीमेट हाइजीन वो मेंटेन करते हैं, इसीलिए वो ब्राह्मण है। उसके उनके मतलब क्या एजुकेशन भी वैसा है। सुबह छोटे बच्चों को हम यही सिखाते हैं, हमारे और आपके बीच ये जो एजुकेशन का डिफरेंस है ये हमें ब्राह्मण माना जाता है। आप लोगों को, आप जिस भी मतलब जाति के जो ये बन जाते हैं, वो जैसे ट्रेनिंग घर से मिलता है उन लोगों को, वो ऐसे ही बन जाते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया चले जाओ, ठीक है, एक ब्राह्मण के घर चले जाओ और देखो उसका घर कैसा है, और दूसरे जो भी लोग हैं उन लोगों का घर कैसा है, ठीक है। ब्राह्मण भले ही गरीब होगा कोई नहीं, लेकिन उसका घर हमेशा आप साफ सुथरा पाओगे, और ये पूरा क्लीन पाओगे, बर्तन भी क्लीन पाओगे, कपड़े भी क्लीन पाओगे, ये घर भी क्लीन पाओगे। गरीब है ठीक है, मतलब मान लो मैं गरीब हूँ, मेरे देखो ये गिरा हुआ है, लेकिन जो भी मिलेगा आपको वो ये क्लीन मिलेगा, एनवायरनमेंट क्लीन मिलेगा,
यहाँ पे ये गंदगी इतना ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन और जो भी रह रहे हैं वो उनका घर गंदा ही आपको मिलेगा, बर्तन भी गंदे मिलेंगे, कपड़े भी गंदे मिलेंगे। ये जो मतलब एजुकेशन हमें बचपन से मिल रहा है, मिलता है, तो ये सबको नहीं मिलता, इसीलिए सब अपने अपने जात के हो जाते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण में एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ब्राह्मण जो भी आप भी जैसे पैदा होते हो ब्राह्मण भी वैसे पैदा होते हैं। ये एजुकेशन ये हमको अलग बना देता है, आपको अलग बना देता है। आप भी ये देख रहे हो, आप मान लो मैट्रिक तक पढ़े, आप जो काम करोगे, जो ये इंजीनियर बना वो वही काम करेगा, जो डॉक्टर बना वही काम करेगा, बस ये यही है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई स्पेशल वहाँ पे कोई यहाँ पे कोई नहीं भेजा जाता। ये एजुकेशन हाँ हम लोगों का अलग अलग करता है। आइडिया समझ गए हो, मोटा मोटी सबसे अटमोस्ट हाइजीन आप मेंटेन करके रखो। ये कैसे करोगे ये आपकी जिम्मेदारी, हफ्ते में एक बार नहीं, वो आपके जो मूल्य मोल भी कहते हैं आप लोगों को, वो झूठ मतलब झूठ तो नहीं, गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। भाई मेरा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं ये हफ्ते में ये 7 दिन में एक बार क्यों ना आऊँगा, मेरे पास तो पानी सफिशियंट है, मैं उससे ज़्यादा बेहतर मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतर लगा के क्यों भागूँगा, मैं लाल इंड लेके क्यों भागूँगा, ठीक है, और मैं काला टेंट पहन के क्यों मतलब भागूँगी, मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरा ये प्लेस तो मेरा एक डिफरेंट है, फिर ये सर्कमस्टेंसेस भी डिफरेंट है, फिर टाइम भी डिफरेंट है, मैं कौन सा वो सऊदी अरबीरा में रह रहा हूँ ये 700 AD में, अभी 2021 हो गया, ठीक है, दुनिया कब का बदल चुका है, आप भी बदलो, बेहतरी की तरफ बदलो, मतलब खराब की तरफ मत जाओ, बेहतरी की तरफ बदलो, ठीक है। ये नहाने का पूरा फंडा, ये सारा नेकलाइन से लेके पूरा बॉडी घिस घिस के आपको ये मेल निकालना है। आप जितने हाइजीनिक रहोगे उतना ज़्यादा मतलब आपको कंफर्टेबल फील होगा। हफ्ते में एक बार नहाओगे, दिन में 12 बजे लेटने जाओगे। हाँ, और एक बात कहना भूल गया, अगले वीडियो में बोलते हैं, ठीक है, आज के लिए रखते हैं, जय श्री राम।